फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद एकता। आई होप आपको मेरे चैनल पर सारी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। आज की रेसिपी फिर से एक स्नैक रेसिपी है जो कि इंडो चाइनीज का मिक्सचर है। हम बनाने वाले हैं वेज मंचूरियन। आज ड्राई मंचूरियन बनाएंगे। आइए फटाफट आपको इंग्रीडियंट्स दिखा देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप फ्रेश जिंजर और गार्लिक को कद्दूकस करके यानी ग्रेट कर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोरिएंडर लिया है, आप साथ में स्प्रिंग अनियंस भी ले सकते हैं, योर चॉइस। यहाँ पर मैंने कुछ बड़े प्याज लिए हैं, सो आप यहाँ पे स्प्रिंग अनियन की जो होते हैं वही ले सकते हैं, प्रॉपर अनियन, दैट्स योर चॉइस। एक बड़ा चम्मच नमक, एक बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने चिकन मसाला लिया है। आप कोई भी मसाला ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चिकन मसाला जो तंदूरी वाला आता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने लिया है। ये दो बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर मैगी मसाला लिया है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला। यहाँ पे दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, तीन शेजवान चटनी, ये है हरी मिर्ची कटी हुई, थोड़ा सा ऑयल फ्राइंग के लिए, और अब रह गई हैं वेजीज। सो वेजीज में मैंने क्या किया है, एक बोल के अंदर ही कद्दूकस करके, ये देखिए लाल वाले गाजर जो होते हैं जो सैलड में यूज़ करते हैं, और यहाँ पर कॉलीफ्लावर लिया है। इसके साथ साथ आप फ्रेंच बीन्स भी ले सकते हैं, स्प्रिंग अनियंस भी ले सकते हैं, और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सो मुझे ये दोनों वेजीज पसंद है वेज मंचूरियन में, तो इसलिए मैं इन दोनों को यूज़ करने वाली हूँ। पहली सॉस सोया सॉस, जो कि आप 1 से 1.5 टेबल स्पून लेते हैं, और दूसरी सॉस हमें चाहिए होगी टमेटो सॉस। तो मैगी का हॉट एंड स्वीट जो सॉस आता है उसका फ्लेवर इज़ जस्ट अमेजिंग, बट इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके पास जो सॉसेज अवेलेबल हैं आप यूज़ करें। साथ में बहुत सारे लोग इसमें विनेगर डालते हैं, उन्हें विनेगर का फ्लेवर पसंद है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं विनेगर तो 1 टेबल स्पून विनेगर भी यूज़ करें, बट मैं विनेगर यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाली। बोल में आपने वेजेस ली थी, उसी बोल में हम ऐड करेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर। इसी में अब आप ऐड कर देंगे मसाले। तो जितने मसाले आपने लिए हैं उसमें से आधे आधे मसाले इसमें ऐड कर दें, क्योंकि बचे हुए आधे मसाले हम फ्राई करते वक्त प्याज के साथ डालेंगे। गार्लिक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा और शेजवान सॉस। इन सब चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिलाएं, और अगर आपको लगता है ये डो हल्का ड्राई है, दैट मीन्स ये डो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अगर ये डो बहुत पतला रहेगा तो बॉल्स नहीं बन पाएंगी। अच्छे से मिलाकर बॉल्स रोल करेंगे। ये देखिए मिक्सचर एकदम तैयार है। अब इसमें से आप छोटे छोटे बॉल्स क्रिएट करें इस तरीके से। अगर बॉल्स क्रिएट नहीं हो रहे इसका मतलब मिक्सचर आपका सही से बना नहीं है, आपको इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर और मिलानी पड़ेंगी। ये देखिए परफेक्ट बॉल तैयार है। इसी तरह से सारी बॉल्स को हम रोल करेंगे, और ये देखिए सारी बॉल्स बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैंने क्या किया है, एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है और इसे गर्म होने दिया है। ये देखिए गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गार्लिक और कटी हुई हरी मिर्ची। इन सबको अच्छे से पका लीजिए, हल्का सा ब्राउन होते ही इसमें आप ऐड कर देंगे अनियन, और इसमें ऐड कर दीजिए बचा हुआ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। सब चीज़ों को अच्छे से मिला दें, और अब इन्हें लाइटली कुक करेंगे जब तक ये अनियन ब्राउनिश कलर में चेंज ना हो जाए, हल्के से फ्राई। अब इसमें बारीक हुए जो हमने मसाले बचा कर रखे थे उनको ऐड करने की में जाएगी थोड़ी सी शेजवान सॉस, लगभग 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून के करीब आपकी मैगी टमेटो हॉट एंड स्वीट सॉस। अच्छे से मिलाएं। देखिए कलर तो आ गया है मार्केट वाला, बट अभी ग्रेवी तैयार नहीं है। इस सॉस को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि हम इसमें अभी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें ऐड कर दें आधा कप पानी, कटा हुआ हरा धनिया, और ये रहा कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने 1 ही टेबल स्पून पानी में मिला लिया, और अब इस सॉस को हल्का पकने दें लगभग 3 से 4 मिनट। लो सॉस बनकर बिल्कुल रेडी है हमारे ड्राई मंचूरियन की। गैस को ऑफ कर दीजिए, और अब हम अपनी बॉल्स को फ्राई आउट करेंगे। हमारा ऑयल हॉट है, और इसमें आप 4-4 करके बॉल्स डालें। बहुत सारी बॉल्स डालेंगे तो ये बॉल्स टूट सकती हैं, बिकॉज ये बॉल्स बहुत ही
डेलिकेट होती हैं, तो मेरी कढ़ाई बड़ी है तो मैं इसमें 5 बॉल्स एक साथ डालूंगी। गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूंगी और जब ये हाफ फ्राइड हो जाएंगी तो इनको एक बार टिश्यू पर निकाल लेंगे और रीफ्राई करेंगे। इससे जो बॉल्स हैं वो कम ऑयल को एब्जॉर्ब करेंगी। ये देखें, बॉल्स हल्की सी फ्राई हो गई हैं। अब इनको आप तुरंत ही टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए और बची हुई बॉल्स को भी हल्की फ्राई आउट करें, फिर हम बाकी सबको एक साथ एक लॉट में फ्राई करेंगे। इस तरह से पेपर टॉवल पर निकालते जाइए। अब दूसरा लॉट फ्राई करेंगे। बॉल्स जैसे ही ठंडी हो जाए वापस से उन्हें ऑयल में डाल दें। इन सारी बॉल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई आउट करेंगे। अब जब आप निकालेंगे तो ये बॉल्स बहुत कम ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे। बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल ब्लॉटिंग नहीं हुई है, ऑयल बहुत ही कम आया है क्योंकि हमने 2 बार इनको अलग अलग तरीके से फ्राई आउट किया था। इसी तरीके से आप भी करें। ये देखने में लगता है कि हम 2 बार फ्राई कर रहे हैं लेकिन फ्राई का मतलब है ऑयल, और अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं ऑयल को तो करना चाहिए। सो अब फटाफट हम सॉस की तरफ चलते हैं। मैंने फिर से गैस को ऑन कर दिया है, हल्की गर्म होनी चाहिए, और इसमें आप अपनी बॉल्स को ड्रॉप इन कर दीजिए। इन बॉल्स को आप अपनी सॉस के साथ कोट अप कर दीजिए। सारी बॉल्स कोट हो गई हैं, अब इनको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएं और उसके बाद हम गार्निश करेंगे, प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग हो गई है, ड्राई वेज मंचूरियन बनकर बिल्कुल रेडी है। रेसिपी आसान है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको शेयर करना ना भूलें, लाइक भी ज़रूर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आउट कीजिए, ऊपर रेड कलर का बटन है, और अगर आपके पास कुछ कॉमेंट्स हैं तो आप मेरे साथ शेयर करें। मेरा दूसरा चैनल DIY चैनल है जिसका लिंक नीचे फ्लैश हो रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद एकता। आई होप आपको मेरे चैनल पर सारी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। आज की रेसिपी बहुत ही यमी रेसिपी है क्योंकि हम ज़्यादातर इस रेसिपी को बाहर खाना पसंद